आज आया हूँ वेलनेस सचिव में अपने एक नए होम्योपैथी डॉक्टर से मिलने। इनका नाम है डॉक्टर डिंपल शाह। आज हम होम्योपैथी के ऊपर जानेंगे कि कितना फायदेमंद मेडिसिन होता है एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में। तो मैम, आज मैं आपसे कुछ होम्योपैथी की और जानकारी चाहता हूँ, कुछ सवाल करूँगा। व्हाई होम्योपैथी ट्रीटमेंट इज स्लो? एक पूरा मतलब टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर एक पर्सन और पेशेंट अगर वो अगर 6 महीने से या एक साल से कुछ प्रॉब्लम है उसको, अगर आप बोलेंगे कि मतलब मुझे 2 दिन में ठीक हो जाए तो ये नहीं हो सकता। लेकिन कुछ मेडिसिन मिरेकल्स है जो मतलब आपको 2 दिन में भी उसका या तो एक डोज में भी फर्क आता है। तो दैट इज़ जो टोटली मिसबिलीव है कि ये बहुत ही स्लो एक्टिंग है, क्योंकि अगर इसमें कैसा है मतलब डिफ्रेंशिएशन चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रहते हैं जो पेशेंट से हमें मिलने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ पेशेंट भी हमें नहीं बताते हैं, कुछ बताते नहीं, वो छुपाते हैं मतलब, और हम उनको मतलब पूछते हैं अगर वो हमसे फ्रीली बात नहीं करते तो दूसरी बार आते हैं तभी हमें बताते हैं, तीसरी बार आते हैं तभी बताते हैं, तो उस हिसाब से हमें मतलब वो पता चलता है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर कुछ यूनिक सिम्टम्स रहते हैं जैसे वो पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे से, अगर आप इंडिविजुअल है तो आपके कुछ यूनिक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हेडेक है किसी को, तो हेडेक रिलेटेड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन मतलब वो एक सिम्टम है मेडिसिन का, तो वो आपको नहीं पता है मतलब आपका सिम्टम है तो आपको पता है, आप बता नहीं सकते मुझे, लेकिन वो आपको फील होता है तो आपका फीलिंग है, वो सेंसेशन रहता है, वो फीलिंग्स रहते हैं, जो मतलब कहाँ से कैसे शुरू हुआ कितने दिनों से है वो सब पूरा सिम्टम चाहिए हमको। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखते हैं हम लोग जो मेडिसिन देते होती है तो पहले हमको मिलेगा, तो हम अगर मेडिसिन देंगे तो 1-2 दिन में भी फर्क आता है, तो दैट इज अ टोटल मिसबिलीफ कि ये स्लो एक्टिंग है। ओके, होम्योपैथी साइकोलॉजिकल कंसर्न नहीं, एक्चुअली क्या होता है जो हम मेंटली हम लोग जो भी सोचते हैं उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, जो मतलब हम लोग को मेंटली स्ट्रेस रहता है और जो फास्ट लाइफ है उसमें कैसा टाइम टू टाइम हमारा शेड्यूल रहता है, तो उसमें हम लोग कभी कभी लंच स्कीप होता है जैसे किसी का खाने का आगे पीछे का हैक्टिक हो जाता है, तो अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है तो उसका नाइट ड्यूटी रहता है तो उसका लाइफ पूरा चेंज होता है, क्योंकि डे ड्यूटी में डे टाइम में वो लोग सोते हैं और रात को पूरा जागते हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है। इससे टाइमिंग नहीं देना टाइमिंग तो रहता है, लेकिन हम लोग को मतलब अगर से अप डाउन हुआ टाइम हाँ तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ऐसा बोलते हैं अगर बोल ऐसा नहीं ना बंदे एलोपैथी में जैसे है ऐसा होम्योपैथी में नहीं है कि मतलब 9 to 9 नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 15 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर 2-3 डोज एक साथ ओके 2-3 डोज हाँ, अगर आपको एक्चुअल प्रॉब्लम है कोई साइड इफेक्ट नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। पर क्या फर्क है होम्योपैथी और अदर पैथी से? होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो सिमिलिया सिमिलिनस क्यूरेंटा, दैट मींस लाइक्स टू बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। अगर जो भी क्रूड फॉर्म में हम लोग जो लेते हैं उसके हिसाब से जो सिम्टम्स आते हैं और उससे ही हम लोग जो मेडिसिन बनाते हैं मतलब अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन रहते हैं तो उसको हम लोग डायल्यूट करते हैं, तो मेडिसिन जो क्रूड फॉर्म में जो उसको डायल्यूट करते हैं उसका अगर हम 1 पार्ट लेते हैं उसको अगर 20 पार्ट्स में हम लोग डायल्यूट करते हैं, उसमें से वापस 1 पार्ट लेके उसको 100 पार्ट्स में करते हैं, वापस उसमें से 1 पार्ट लेके 1000 पार्ट में करते हैं, तो उसमें ड्रग जो रहता है वो बहुत ही माइन्यूट पार्ट में रहता है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ही पावरफुल रहता है। और अदर पैथीज में कैसा रहता है कि सब्सटेंस ज़्यादा रहता है लेकिन उसका इफेक्ट जो रहता है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि वो दैट टाइम बीइंग के लिए रहता है। अगर आपको हेडेक है अदर पैथीज में मॉडर्न मेडिसिन में वो लोग जो मेडिसिन आपको देते हैं उसका आपका टाइम बीइंग आपको अच्छा लगेगा लेकिन आपको वापस वो प्रॉब्लम होता है, तो दैट विल सप्रेस योर प्रॉब्लम्स बट अगेन वो वापस आता ही है। ये भी अदर पैथी जैसा एसिडिक होता है? नो नॉट एट ऑल, होम्योपैथी एसिडिक नहीं है क्योंकि वो एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता होम्योपैथी। ओके, होम्योपैथी मेडिसिन का सबसे कम साइड इफेक्ट क्यों होता है? बिकॉज जो मैथड है उसका मेडिसिन बनाने का दैट इज वेरी इफेक्टिव, उसमें जो ड्रग्स रहते हैं बहुत ही माइन्यूट पार्ट में रहते हैं, तो दैट इज क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत पावरफुल रहता है, तो जो सब्सटेंस है वो बहुत ही माइन्यूट मतलब वेरी वेरी माइन्यूट पार्ट में रहता है, उसकी वजह से उसका जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है।
तो वेल हम लोग आज बहुत कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जान सकते, जो हमारे डॉक्टर से हमको नॉलेज मिला आज, ये होम्योपैथी हमको प्रिफर करना चाहिए आज के टाइम में, एज एलोपैथी से हमको एसिडिटी ये सब अदर अदर प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गई है। तो हमको होम्योपैथी के लिए वेलनेस रजीम में एक बार जरूर कॉल करके आप पूछें आज का सिचुएशन देखिए, आपको क्या लगता है क्या स्कोप है होम्योपैथी का फ्यूचर में? सी अदर पैथीज जो मॉडर्न पैथीज है उसमें कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हो कोई भी प्रॉब्लम के लिए तो उसके साइड इफेक्ट्स है, मतलब अगर बीपी के लिए लेते हो तो उसका किडनी के ऊपर असर होता है, कोई भी पेन किलर लेते हो तो उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो होम्योपैथी में बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको आपका फिजिकल मेंटल इमोशनल वेलबींग चाहिए, जो आज के फास्ट लाइफ में है जिसके लिए आपको स्ट्रेस आता है, अगर कुछ काम आपका नहीं हुआ, कुछ फैमिली इश्यूज है, कोई भी अगर आपका गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया, बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, तो आपको स्ट्रेस आ जाता है, तो उसके लिए मेंटल मतलब वेलबींग चाहिए, फिजिकल वेलबींग चाहिए। तो जो स्ट्रेस आता है उसके लिए और मतलब ये ऑटो इम्यून डिजीजेस में जो एलर्जिक डिजीजेस है उसके लिए भी और कैंसर के लिए भी, मतलब जो कीमो के लिए बाद में जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। सो आई फील पर्सनली दैट पर्सन इफ ही वांट्स टू बी बेस्ट एट हिज लाइफ ही कैन श्योरली बी टेक होम्योपैथी मेडिसिन। थैंक यू। टू वन एक्शन। तो आप तो बेस्ट होम्योपैथी अगर करना चाहते हैं ट्रीटमेंट, आप आ सकते हैं हमारे वेलनेस रजीम में जो गोरेगांव वेस्ट में है।